ऑटो में लग गए थे, ऑटो में थोड़ी कर गई। ऑटो में लग गए थे, ऑटो में थोड़ी कर गई, कोई दिक्कत नहीं। फक मैन, ऑटो ने झटके से ब्रेक लगाए और डिस्कवर वाला स्किप नहीं कर सका और घुस गया। ऑटो वालों से थोड़ा मैं दूर ही होके चलता हूँ, इनका क्या है थोड़ा स्टाइल अलग ही रहता है। वो तो ठीक है, वो डिस्कवर और वैसी बाइक थी थोड़ी, वरना अगर ऐसी फेयरिंग वाली बाइक होती R15 या और कोई भी R3 है, 220 है, तो उसका जो ये हिस्सा टच हुआ था, अगर फेयर्ड बाइक्स का टच होता तो भाई बहुत भयंकर नुकसान हो जाता। खैर रेड लाइट्स पे इतना रेव करके उठानी भी नहीं चाहिए, जब पता है जब तक आप जेब्रा क्रॉसिंग पार ना कर जाओ तो स्पीड पकड़नी ही क्यों है। स्टॉप गो ट्रैफिक रहता है रेड लाइट पे, तो आपको तैयार रहना चाहिए ब्रेक्स लेने के लिए, और इतना पास भी होके ना चलें कि आप ब्रेक ना ले सकें। चलो, उसको लगी वगी तो नहीं थी, जहां तक मुझे लगता है। एक ऑटो वाला का मेंटलिटी, यहाँ पे जयपुर में इनके पास एक हैंडल रहता है, स्टीयरिंग नहीं रहता है। ये देखो, खैर ज़्यादातर जगह पे हैंडल ही रहता है, पर कहीं कहीं पे जैसे मैं उदयपुर रह के आया था, वहाँ पे ऑटो वालों के पास स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग से फील आता है कि आपके पास बड़ी कुछ, आप बड़ा चला रहे हो। अब इनके पास क्या स्टीयरिंग रहता है, ये बाइक वाला फील लेते होंगे कि कहीं भी घुसा दो, कैसे भी ब्रेक लगा लो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पलटते भी हैं और तेज़ स्पीड में घुमाते हैं तो इतना ज़्यादा स्टेबल रहते नहीं है ये, और पलट जाते हैं, जैसे विकास दुबे की
विकास दुबे को ले जाती हुई पुलिस की TUV 300 पलटी, सेम वैसे ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। बेल वेल आइकन का आप लोग देख लेना, दबाना या नहीं पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। ओके सो ऑफिस आ गया मेरा, सी यू सून, बाय बाय।